बोनसाई पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए खूब सारी वेजीज और पाव, छोटे छोटे पाव जो पाव भाजी से कभी कभी बच जाते हैं हमारे पास। तो हम एक गैस पे कुकर रखेंगे और उसको थोड़ा सा प्रीहीट कर लेंगे। अगर आप माइक्रोवेव में बनाना चाहते हैं तो माइक्रोवेव को भी प्रीहीट कर लीजिए। और जो हमारा टिन केक होता है, केक टिन होता है, उसको हम घी से अच्छे से गार्निश करके रख देंगे। अब हम बनाएंगे वेजीज़ की स्टफिंग। ये है हमारी मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ को हम अच्छे से पाव पे लगा के इसको स्प्रेड कर देंगे दोनों तरफ, ताकि ये अच्छी सी क्रीम बन जाए। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके इसको हम दोनों हिस्सों पे स्प्रेड करके रख देंगे। इनको आप क्रश कर रहे हैं तो क्रश भी कर सकते हैं, मैंने क्रश किया हुआ ही लिया था। अब हमारी जो वेजीज़ हैं, जिसमें हमने कॉर्न, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, मायोनेज और सॉस ये सब डाला था, इसको इसके ऊपर लगा के हम इसको रख देंगे अच्छे से। और ये जो हमने तैयार किया था केक टिन, इसमें इन तीनों पीसेस को रख देंगे। अगर आपके पास बड़ा केक टिन है तो आप 4-5 भी बना सकते हैं, पर हम खाने वाले 3 ही हैं तो हमने इनको 3 ही बनाया है। और इसको बना के अच्छे से कुकर में सेट कर देंगे। तो ये देखिए, छोटा सा जो बनता है ना, ये बहुत ज़्यादा ही प्यारा बनता है और इतना यम्मी होता है कि आप खाते खाते रह जाएंगे, लेकिन ये करेगा कि और खा लेते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम घी लगा के और इसको रख देंगे। 10 मिनट के बाद में हम कुकर खोल के देखेंगे तो ये इतना चीज़ी हो जाता है। देखिए, मैं आपको हटा के भी दिखाती हूँ। तो हमारा बोनसाई पिज़्ज़ा तैयार है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। ओके, बाय बाय।